चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल। गाइस आज का मेरा लुक है दुर्गा पूजा मेकअप लुक। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी आप लोग कैसे अपने फेस का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। एंड गाइस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स मीन लॉट फ्रॉम मी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्राउज को फिल करने के लिए मैंने हुडा ब्यूटी की रोज गोल्ड आई शेडो पहले से डार्क ग्रे शेड पिक किया है और एंगल ब्रश की हेल्प से अपने आई ब्राउज को फिल करना स्टार्ट करूंगी। मैं कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी। अगर मैं इनर से पहले ही लगा दूंगी गाइस तो मैंने जितना भी प्रोडक्ट लिया होगा वो सामने ही लग जाएगा आउटर साइड पर ही और हमारे जो आई ब्राउज है वो फेक लगेंगी, इसलिए हमेशा आउटर कॉर्नर से ही स्टार्ट करो। अब मैंने यहाँ पर कंसीलर यूज़ किया है और ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी जो आई ब्राउज हैं वो शार्प लगे। पूरी आइज पर मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी ताकि ये अलग सा ना दिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट लिया है, उसके हेल्प से मैं इसको सेट कर लूँगी ताकि ये क्रीज ना करे। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का शेडो पैलेट लिया है जिसमें मैंने ट्रांजिशन शेड लिया है फर्स्ट, और फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन शेड पिक किया है सेम उसी आई शेडो पैलेट से, क्रीज एरिया पर अच्छे से ब्लेंड करूंगी। देन उसके बाद वही सेम कलर मैं आउटर साइड पर भी वी बनाते हुए ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैंने हुडा ब्यूटी का ये लिक्विड आई शेडो लिया है जिसमें से मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है और हाफ क्रीज पर मैं इसको अप्लाई करूंगी। और इसको लगाने के बाद गाइज मैं सेम वही डार्क ब्राउन शेड अगेन पिक करूंगी और आउटर पर लगाऊंगी ताकि ये अलग सा ना दिखे और मिक्स हो जाए एक साथ। तो इसमें अच्छे से मैं इसको स्मज करूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का लाइनर यूज़ किया है और एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ किया है। गाइज मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल करूंगी। आईलैशेस कर्ल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी हम फेक आईलैशेस अप्लाई करते हैं अगर हमने अच्छे से मस्कारा यूज़ किया है अपनी आईलैशेस को कर्ल किया तो वो बहुत इजीली अच्छे से सेट हो जाती है। यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ करी, बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। और मैंने फेक आईलैशेस के लिए यहाँ पर हुडा ब्यूटी की आईलैशेस यूज़ करी हैं। आईलैशेस अप्लाई करना भी बहुत ईजी होता है गाइज, जस्ट 60 सेकेंड के लिए आप लोगों को इस पर ग्लू लगाकर इसको सूखने देना चाहिए तब अप्लाई करना चाहिए। अब नाउ मैं यहाँ पर वेट वाइप की हेल्प से जो भी फॉल आउट हुआ है इसको क्लीन करूँगी अच्छे से ताकि मैं जो भी मेकअप अपने फेस पर लगाऊँ वो अच्छे से लग जाए। और फर्स्ट गाइज मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर, अफोर्डेबल के साथ ना बहुत अच्छा वर्क करता है ये। और स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है मेकअप अप्लाई करने से पहले गाइज, इससे क्या होता है हमें बहुत अच्छा फ्लॉलेस मेकअप मिलता है, बहुत ही ड्वी मेकअप मिलता है हमें। देन उसके बाद मैं प्राइमर के लिए स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्लस इल्यूमिनेटर यूज़ करूँगी गाइज, बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है सीरियसली। आपको ये दो तरीके से वर्क करेगा, एक तो आपके फेस को हाईलाइट करेगा, सेकेंड ये आपके प्राइमर का भी वर्क करता है। तो ये दोनों चीज़ों से बहुत अच्छा है और आप देख सकते हो कितना नेचुरल सा प्यारा सा ग्लो दे रहा है ये फेस को। उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे 925 का फाउंडेशन यूज़ करूँगी। मेरा शेड है 320 वार्म कैरमल और ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। मेरी ऑयली स्किन इसलिए मैं इस फाउंडेशन को यूज़ कर रही हूँ। लेकिन गाइज ये ऑक्सीडाइज नहीं होता इसलिए आपका जो भी शेड है वही आप इसको परचेज करो। देन गाइज मैं यहाँ पर इनसाइड का सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी और इसको ब्रश में थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि ये वेट हो जाए और मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है क्योंकि ये मैट फाउंडेशन है और मैं अपने पूरे फेस पर इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैं कंसीलर के लिए NYB का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल कंसीलर है। जस्ट हाईलाइटेड एरियाज़ पर ही अपने पूरे फेस पर मैं इसको लगाऊंगी। और गाइज इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने एक स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया है और आप देख सकते हो गाइज कितना ईजिली ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है बिल्कुल। एंड नाउ गाइज इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ किया अगेन। पूरे फेस को अच्छे से मैं इसी कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लूँगी। एंड नाउ गाइज मैंने यहाँ पर ब्लश के लिए कॉन्टोरिंग के लिए स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट यूज़ किया है, उसी में से मैंने डार्क ब्राउन शेड पिक करके अपने फेस कॉन्टोरिंग की है, नोज़ कॉन्टोरिंग की है, अपने फोरहेड को हाइड किया है। एंड यहाँ पर मैं गाइज अपने चीक्स पर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और हाइलाइटर के लिए मैंने माल्याओं का हाइलाइटर यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, आपके फेस को पूरा नेचुरल सा हाइलाइट करता है, ओवर नहीं लगता, चंकी चंकीनेस नहीं लगता आपका फेस। अब गाइज अगेन मैंने डार्क ब्राउन शेड पिक किया है उसी स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट से और अपनी लोअर लैश लाइन को अच्छे से लगाऊंगी, इसको ब्लेंड करूंगी इस कलर को। और यहाँ पर मैंने ना अगेन ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ किया है अपनी आईज़ को बिग दिखाने के लिए। देन यहाँ ब्राउ बोन को अपने हाईलाइट किया है और उसके बाद मैंने इनसाइड का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया, अपने मेकअप को सेट कर लिया। देन मैंने ऑफ रेड लिपस्टिक यूज़ की है, माइक ग्लैम की बहुत ही अच्छी क्रीमी लिपस्टिक है सीरियसली गाइज, मतलब
इतनी प्यारी लिपस्टिक है ना ये, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप लोग वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो। नाउ मेरा लुक रेडी है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे गाइज। और वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो, मैं सबके क्वेश्चन के रिप्लाई करती हूँ। एंड इस लुक को आप लोग बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।